नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। तो आपकी एग्ज़ाम ITI फर्स्ट ईयर 2019 वाले बच्चों की, काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम हो चुकी है, काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है। तो जिन बच्चों की एग्ज़ाम 13, 14, 15 तारीख को है, उनको ITI पास करने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे। तो आप किस प्रकार ITI CBT एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हो और पास हो सकते हो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी और पेपर भी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि ITI CBT एग्ज़ाम 2021 है, इसमें ITI का पेपर का पेटेंट किस प्रकार आएगा, और ऐसा पेपर आ रहा है इस बार आपके ITI फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो या सेकेंड ईयर की। तो दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन नियमित क्वेश्चन आंसर में से आ रहे हैं। तो लगभग मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस करा रखा है, यानी PDF फाइल अवेलेबल करा रखे हैं। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 या 15 पेपर आपके जो CBT एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करा रखा है। साथ ही नियमित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी अवेलेबल करा रखी है, भले आप फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर, सबके लिए अवेलेबल है। साथ इसके अलावा आपको कोई भी PDF फाइल चाहिए तो आप ITI CBT एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार की PDF फाइल अवेलेबल है। तो काफ़ी दिन के बाद में काफ़ी बच्चों की एग्जाम हो रही, तो उनके काफ़ी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यही है कि पेपर का पेटेंट किस प्रकार है। दोस्तों, जो पहले का जो पेटेंट था एग्जाम का क्वेश्चन आंसर का, वही पेटेंट अब आ रहा है। तो आप कन्फ्यूज मत होना कि पहले से अब की बार कुछ चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को काफ़ी डाउट है, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वो अच्छे से पेपर पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको हर पेपर का एनालिसिस करके जाना है। साथ ही अगर आपकी एग्ज़ाम 13 तारीख को है, कौन सी पारी में, अगर फर्स्ट पारी में तो फर्स्ट पारी का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे आप सेकंड पारी में बैठोगे तो मैं सेकंड पारी में बैठने से पहले आपको फर्स्ट पारी का पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। यानी जैसे वो बच्चे छुट के आएंगे, वो आएंगे, फिर मैं उन पेपरों को आपको एनालिसिस करा दूंगा। जैसे सेकंड पारी की एग्जाम कंप्लीट होगी, थर्ड पारी की स्टार्ट होगी, तो उनका ही मैं एनालिसिस कराऊंगा। यानी रोज हर पेपर का हम एनालिसिस कराएंगे। इससे पहले आप 3 तारीख के बाद में जो भी पेपर हुए उनका भी हमने एनालिसिस कराया, और अभी आपका 13, 14, 15 तीनों दिन का एनालिसिस कराएंगे। साथ ही आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं, 13 और 13 तारीख काफ़ी बच्चों की इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो उनके लिए मैं आज ही दूसरी क्लास लेके आ रहा हूं अलग से। तो वहां पर आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकेंड ईयर की चीज़ें भी बताऊँगा, तो सारे कुछ क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपको पेटेंट बताना था। पेटेंट वही है, पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी प्रकार के अफवाह में मत आओ। अगर तैयारी करके जाओगे तो आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा, अगर बिना तैयारी के जाओगे तो वही पहले वाला रिजल्ट रहने वाला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए।